पुलिस के डर से भागना दो लड़कियों को बहुत भारी पड़ गया और घबराई दो लड़कियों ने 3 मंजिला मकान से छलांग लगा दी। हैरान करने वाली ये घटना वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर इलाके की है। जानकारी के अनुसार नौकरी की तलाश में दो लड़कियां एक महिला और उसके साथी के संपर्क में आई। महिला और उसके साथी ने दोनों लड़कियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक घर में रुकवाया। आरोप है कि महिला और उसके साथी ने घर के बाहर ताला लगाकर दोनों लड़कियों को सूचना दी कि यहां पुलिस का छापा पड़ने वाला है। हैरान और परेशान दोनों लड़कियों ने पुलिस के डर से भागने की कोशिश की और 3 मंजिला घर से छलांग लगा दी। इसमें दोनों ही लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों लड़कियों को इलाज के लिए कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया। हम लोग कूद गए थे और पुलिस आ गया कह के वो सुमन बताई और अशोक, तो हम लोग कूद गए थे। तो हम लोग कूदने के बाद हम लोग का एक मेरी फ्रेंड है उस दिन भी उसका हाथ टूट, इसका पैर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया। कौन है वो सुमन, कौन है अशोक, कौन है, किस लिए यहाँ तुमको लाए थे, क्या करा? काम करवाने के लिए, ये पार्लर में काम जॉब लगा देंगे इसलिए। कौन था तुम्हारे साथ, और भी कोई था वहाँ पे? नहीं, हम दोनों, तन्वी तिवारी और हम। तो यहाँ पे कहाँ पे थे तुम लोग? बनारस में। ये कौन सा जगह है? जगह का नाम है तुलसीपुर। हाँ, तुलसीपुर, गीटावाड़ी का तुलसीपुर था ना, वहीं पे। कितने दिनों से दिया? 2-3 दिन। वहीं जब पूरे मामले में पुलिस से बात की गई तो एएसपी ने कहा कि दोनों लड़कियां नौकरी की तलाश में एजेंट राहुल और सुमन के जरिए वाराणसी आई थी, लेकिन नौकरी न दिलाकर दोनों को बंधक बनाकर रखा गया था। बंद मकान में लड़कियों के रहने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर पुलिस वापस लौट गई। कल डायल 100 की सूचना मिली थी पुलिस को कि दो लड़कियां फोन कर रही हैं कि हम गिर गए हैं और हमें फ्रैक्चर हो गया है। इस पर पुलिस पहुंची थी शाम को जगह पर, वहाँ मकान मालिक भी थे। तो लड़कियों ने बताया कि हम ऊपर रह रहे थे किराए पर, 3 दिन से आए थे, जो राहुल तिवारी थे वो और एक सुमन करके, उन्होंने उनको फ़ोन किया था कि हम जॉब दिला देंगे। दोनों लड़कियाँ इलाहाबाद की हैं, तो वो इनको लेके आए थे। फिर दोपहर में फैंटम को सूचना मिली थी कि इस घर में दो लड़कियाँ हैं जो पहले नहीं दिखती थी और 2-3 दिन दिख रही हैं। फैंटम सूचना पर गई थी तो वहाँ ताला बंद था, आवाज़ लगाई कोई आवाज़ नहीं आई, उसके बाद फैंटम चली आई थी। लड़कियों का कहना है कि उसके बाद जो महिला इनको बुलाई थी उसने इनसे कहा कि भाग जाओ पुलिस आई है, तो ये लोग साड़ी और चादर का फंदा बनाकर छत से उतर रहे थे, तो उसी में इनके हाथ से छूट गया और गिर गए, तो उनको फ्रैक्चर हो गया। फिर इन्होंने फ़ोन किया था तो पुलिस पहुँची थी। इन्होंने किसी प्रकार के पीड़ा से तो इनकार किया है, किंतु ये कहा कि उन्होंने इसको जॉब के नाम पर बुलाया था और जॉब नहीं दिलाई और इनमें तहरीर दे रही है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस एजेंट राहुल तिवारी और सुमन की तलाश कर रही है और दोनों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दे रही है। वहीं पुलिस के डर से भागना दो लड़कियों को इस कदर भारी पड़ा कि वो सीधे अस्पताल जा पहुंची। फिलहाल दोनों घायल लड़कियों का इलाज जारी है और दोनों खतरे से बाहर बताई जा रही है। पंजाब केसरी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।